माखन बर्बाद होने लगा है। बाद में लड़कियों ने कंस को बताया है, कंस कहने लगा मैं मथुरा का राजा वो वृंदावन की भिख मंगा, अगर हम उनसे लड़ने जाएंगे तो इसमें हमारी इज्जत नहीं है, कल हम उनके पास संदेशा भेज देंगे वो कल से नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, भगवान ने भोजराज कंस के लिए चुनौती भेजी है, इतना ही बड़ा बहादुर है तो वृंदावन के पनों में निकल गया। कंस नहीं आया तो दूसरे दिन कन्हैया उस मार्ग पे नहीं गए, जहां माखन बर्बाद किया दूसरे दिन गोपियां माखन बेचने नहीं आई, भगवान को भोग लगाने को माखन लाई, जहां मटकी तोड़ी उसी जगह भगवान को प्रेम से बुलाने लगी, भगवान प्रकट हो गए। उस समय गोपियों ने भगवान को तन मन धन अर्पण किया। क्या क्या माताओं बहनों? तन मन, तन माने शरीर, और ये भी भगवान ने परीक्षा की है इनका संकल्प सच है या झूठा है, मगर कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग कह तो देते हैं, शाम को हमारी माताएं बहने घर में आरती जब करती हैं तब कहा करती प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तुम्हारा है तुम्ही को अर्पण है। और सवेरे अगर कोई बाबा जी ने आवाज लगाए दी नारायण हरि तो मठा फेत भाई चल रहा है पत्ती नाय धरी तुम चले आई तो घोड़ा आई भैया। अब भगवान ने देखा हम इनकी परीक्षा करेंगे। सुबह सुबह गोपियां यमुना में स्नान बनाने गई, पत्थर की शिलाओं पे बैठ गई, तो जितनी गोपी उतने भगवान ने रूप बनाए, हर गोपी के पास खड़े हो गए तो अपने पास भगवान नजर आ रहे दूसरे के पास नहीं। उस समय गोपियों ने भगवान को बेशर्म बेहा निर्लज्ज कह के विदा कर दिया। भगवान सोचने लगे इनका तो संकल्प पहला ही झूठा चला गया, शरीर हमें न्यौछावर कर दिया, लज्जा इन्हें लग रही है। दूसरे दिन भगवान गए। भगवान ने अपने भक्तों को कूट कूट के ज्ञान सिखाया है। दूसरे दिन गोपियां यमुना पे स्नान बनाने गई, माह का महीना सर्दी ज्यादा रहे, एक बोली बहना वस्त्र पैर के ही नहा ले, एक बोली तेरी बात सुन के बुखार आया जानते, चार बजे जहां को बैठो है कपड़ा उतारे पारे पे रखो झम झम कूदो घर चलो, छोटी छोटी बालाएं अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख देती हैं। चीर, चीर होता क्या है जानती हो? चीर होता है अदब सम्मान पर्दा। वैसे हिंदुओं के धर्म में बहुत कुछ लिखा है परीक्षा जी, अपने यहां पे लड़की सर खोल के नहीं रहनी चाहिए, बहन अगर सर खोल के घूमती है प्राण इस बात के गवाह है उसके भैया की उम्र कम होती है। सिंदूर भरने के बाद में जो माँ बहन सर खोल के रहती है उनके पति की उम्र कम होती है, क्योंकि मानव की जिंदगी में नारी के जीवन में अगर सबसे अमूल्य कोई चीज है उनके पास में तो केवल सर का सिंदूर, और जो अमूल्य चीज होती है वो हमेशा पर्दा की ओट में रखी जाती है, पर्दा से बाहर हो जाती है उसका विनाश हो जाता है। हमारे यहां का पहनावा ओढ़ावा और संस्कृति कुछ अलग थी। हमारी बुजुर्ग माताएं आज भी देखो इनके पहनावा ओढ़ावा और बहनों के पहनावा ओढ़ावा, अभी गांव देहात में तो बहुत बढ़िया है, कहूं बड़े शहर में चल के देखो अपने यहां पे किसी लड़की के अगर बाल काट दिए जाते थे तो पुरानी माताएं बहुत बुरा अशगुन माना करती थी, फलाने की बिटिया कहूं गई वक्त लट काट दी लट। और अब चार बजे कराल में देखो सब्जी मंडी में सब बल्ब कटिया घटी मुर्गा कैसी कलंगी करे, तो मतम साची कहते हैं। अपने यहां की माताएं आज भी जेठ का लड़का अगर सामने खड़ा होता है तो चाची कभी पूरा मुंह नहीं उघारती है, इतना अदब होता है।
मैं चीर की परिभाषा बता रहा हूं। चीर पर्दा होता है, चीर सम्मान होता है, और चीर सामने का नहीं, असली सम्मान तो पीछे का होता है, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा सम्मान करे। जेठ का लड़का सामने खड़ा होता था तो चाची शीशा नहीं देखती थी, चाची श्रृंगार नहीं बनाती थी। धन्य आज की अम्मा इनके ब्लाउजन में सौ सौ शीशा लगे, मोटरसाइकिल बैठी जाती, मोह देखती जाती, तने आएगा ब्रेकर कुछ तो मोह देख के चक्कर में गिरी गई। भाई बहुत कुछ बदल गया। सास के घर में देखो हंसे नहीं, मैं ऐसी की बात जरूर करता हूं, जरा समझो। सास के घर में जोने बिटिया रहते हैं बहू, तो सास उसने मम्मी माता जी और मैया और भैया निभाए के चलो, अंडनी की पुलिया पे पहुंचो, कहो बिटिया कैसे रहती हो, भैया सब ठीक है, रण डुकरिया ज्यादा केवल मक्का रहे। गुरु जी हमारे तो डुकरिया ना बुढ़ेवा कही जाते। सास के घर में रहती है तो बड़ी लंबी पर्दा, पर्दा मैंने बताई है, पर्दा पीछे की होती है। सास के घर में तोले यहां तक लाज मारती है बहू, और कहूं मेला में पहुंच जाए तो साड़ी को पल्लू कंधा से नीचे, टिक्की वाई ठेला पे हाथ में दोनों एक में चम्मच, ऐसे लगती टिक्की जैसे करौलिया पछरा पति लिखाते है। लल्ला यमन यादव लतपुरा से 50 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे, भगवान सदा दीर्घायु देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और सुनिए, पहले की माताएं इतना सुंदर पहनावा पहनती थी, यहाँ जो बैठी है 60-70 साल की ने पूछो, पहले की माताएं कमीज पहरा करती थी, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद हमें चले सलूका, क्या चले सलूका, भाई दादी बताया करती थी सलूका। बाकी बाद में अंग्रेजन ने भेज दे बेलाज, इनको नाम का है बेलाज, कोई लाज पर्दा ना है। मगर कुशल रही, जब जे बेलाज चले तब बटन सामने लगते कि भैंस ने बीच में ऐसी आई कि बटन पीठे पर लगन लगे, एक पहन नवाई दूसरी पहना दे। भाई भगवान ने गोपियों को चीर की परिभाषा बताई है, चीर चुराए भगवान ने। चीर क्या था, शरीर के वस्त्र नहीं थे, केवल सर पे डालने वाली चुनरी थी। भगवान ने ये बताया नंगे सर कभी महिला को जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका धर्म नष्ट होता है। भाइयों गोपियों को चीर जब भगवान ने वापस किए, गोपियों ने कन्हैया को चारों तरफ से घेरा है और ये कहा मैंने सुना तुम महाराज